नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। भारत में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल एजुकेशन को लेकर जागरूकता काफी बढ़ रही है और इस बात को सरकार ने भी अच्छा खासा प्रमोशन दिया है। खासतौर पे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे काफी ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। कोरोना काल में इस बात की शिद्दत से कमी महसूस की गई कि हमारी जो शैक्षणिक संरचना है वह शायद डिजिटल एजुकेशन के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है या हम लोग थोड़े से इस मामले में पिछड़े हुए हैं। इस बात को लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी काफी जोर दिया गया है कि किस तरह से डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। फेसबुक ने 2020 जून में फेसबुक फॉर एजुकेशन नामक एक कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में 5 लाख विद्यार्थियों और 14 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन एजुकेशन के नो हाउ से रूबरू कराया गया। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और डिजिटल एजुकेशन पे जोर दिया गया था, साथ में जो टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू कराने के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान की गई थी। इस सफलता से फेसबुक को और खासतौर पर CBSE को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और अब इस करार में इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मेटा, जो कि पहले फेसबुक कंपनी थी, उसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेटा फ्यूल फॉर इंडिया प्रोग्राम 2021 के मंच पर मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि अब 1 करोड़ विद्यार्थियों और 10 लाख शिक्षकों को ऑगमेंटेड रियलिटी और डिजिटल एजुकेशन के नो हाउ से रूबरू कराया जाएगा। इसे लेकर CBSE और मेटा कंपनी में करार हो चुका है। इस मंच पर बोलते हुए मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भारत के नए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में ये कदम काफी बड़ा साबित होगा और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हूँ। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि पहले से भी इस दिशा में काफी ज्यादा प्रोग्राम्स किए जा रहे थे, कई सारे वर्कशॉप्स संचालित किए जा रहे थे, लेकिन अब इस प्रोग्राम से एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उस तक सबका इजी एक्सेस करने के लिए फेसबुक ने हाई स्कूल तक के पाठ्यक्रम को CBSE की वेबसाइट पे उपलब्ध कराने की भी पहल की है। आप वेबसाइट के थ्रू पूरा का पूरा कोर्स जो है उसे आप एक्सेस कर सकेंगे। स्किल्स डिपार्टमेंट CBSE के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत साहा ने भी ये बात कही है कि पूरे देश भर में सबसे पहले हम लोग एक बेस तैयार करेंगे, एक आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे जिसमें डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और इसके बाद इसे पूरे देश भर के में जो विद्यालयों के चेन है, जो पूरी श्रृंखला है, उससे इसे ट्रांसफर किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि सुदूर इलाकों तक भी जो तकनीकी शिक्षा है उसकी पहुंच हो सके और जो गैप है, जिससे हम टेक्नोलॉजिकल गैप की बात करते हैं, वह धीरे धीरे भरेगा। इस बात को लेके पूरे विद्यार्थी जगत और शिक्षक जगत में भी काफी उत्साह का माहौल है। इसके क्या परिणाम होंगे यह तो आने वाले समय में देखने की बात होगी, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पहल काफी बड़ा कदम साबित होने वाली है। इसे लेके आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।